एपिसोड 4 मुझ में तो मुझसे ज्यादा है। यामी अपने रूम में रिदम का जैकेट हाथ में लिए सोच रही थी। एपिसोड 4 मुझ में तो मुझसे ज्यादा है। यामी अपने रूम में रिदम का जैकेट हाथ में लिए सोच रही थी। ऐसा क्या है तुम में डॉक्टर, दिल फिर से तुमसे मिलना चाहता है। इतने उलझे हुए से लगे तुम, दिल कम वक्त खुद भी उलझ रहा है तुम में। और उस जैकेट से भीनी भीनी आती खुशबू को वो अपने अंदर उतार लेती है। नाइस चॉइस डॉक्टर, शुक्र है परफ्यूम के मामले में तुम और लड़कों की तरह नहीं हो। चिली स्पाइस और हॉट एंड सेक्सी, मतलब पूरा कबाड़। उफ, पर अब तुमसे मिला कैसे जाए। आइडिया, इंस्टा पर तो हो गई डॉक्टर हैंसम। वो अपने लैपटॉप को ऑन करके सबसे पहले इंस्टा पर सर्च करती है रिदम मालिक, तो नॉट फाउंड आता है। फिर वो खुद में ही कहती है, उफ मैं भी पागल हूं, अब डॉक्टर हो तो जाहिर है डॉक्टर लगाते होगे। फिर वो दोबारा सर्च करती है डॉक्टर रिदम मालिक, फिर से सेम रिजल्ट आता है और यामी खींच जाती है। पता नहीं किस नाम से है ये मिस्टर एरोगेंट। चलो छोड़ो, वो जैकेट को एक बार देखती है और अलमारी में रख देती है। इधर रिदम एयरपोर्ट पर था बिल्कुल खामोश। उसके चेहरे से बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि उसके दिल में अभी कितनी उथल पुथल है। उसके फ्लाइट में अभी वक्त था और वो वेटिंग एरिया में बैठा हुआ था, तभी उसके सामने से कोई लड़की गुजरती है और एक बार को रिदम को ये लगा ये तिथि है। वो उसके पीछे जाता है और जब वो सामने से उस लड़की को देखता है तो जेब जाता है और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है। अपने वॉलेट में उस तस्वीर को देखने लगता है। मैं भूल जाता हूं कि तुम अब इस दुनिया में नहीं हो। ऐसा लगता है यही हो मेरे आसपास। ये दिल हर वक्त तुम्हें अपने आसपास महसूस करता है। रिदम आंखें बंद करके वही चेयर से सिर टिका लेता है, तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ती है। तुम मेरे चाहतों की हद में नहीं थी, अगर होती तो ये चाहत बेहद हो जाती। ये कबीर था, रिदम का जिगरी दोस्त, या ये कह लीजिए भाई। उसकी शायरी सुनकर रिदम उसे आंख खोलकर देखता है और दांत पीसते हुए कहता है, कितनी बार कहा है मेरे नज्म को मत चुराया कर। और रिदम की बात सुनकर कबीर दांत दिखाकर हंस देता है। उसकी ये हंसी रिदम को एक आंख भी नहीं भाती। जान सकता हूं तुम यहां क्या कर रहे हो, कबीर पूछता है, लेकिन रिदम उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर कबीर अपना बोर्डिंग पास रिदम की तरफ लहराता हुआ कहता है, इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाला जाने मन, और गाना गाने लगता है। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा मेरा साया। उसकी आवाज सुनकर रिदम अपने कान पर हाथ रख लेता है और आते जाते लोग कबीर को अजीब नजरों से घूरने लगते हैं, तो कबीर चुप हो जाता है। रिदम हंसता हुआ कहता है, खैर मना तू रेलवे स्टेशन पर नहीं है, वरना लोग तुझे 1-2 रुपए तो दे ही देते। रिदम की बात सुनकर कबीर मुंह बना लेता है। कबीर फिर मुस्कुरा कर रिदम से चिपक जाता है और कहता है, जाने मन तुमने मुझे छोड़कर जाने की सोची भी तो कैसे। तो रिदम कहता है, मुझे पता था तू लीच की तरह चिपक जाएगा, इसीलिए नहीं बताया था। ये सुन कबीर खिखी खिखी कर हंसने लगता है। तू जानता है तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा, फिर भी तूने ऐसा किया। रिदम थोड़ी देर खामोश रहता है और फिर कबीर को देखते हुए कहता है, तू जानता है अब मुझ में किसी को भी खोने की हिम्मत नहीं है। तिथि के कातिलों को ढूंढना है और फिर इतने बड़े रैकेट को कौन चला रहा है ये भी जानना है। मेरा वहां जाना एक मोटिव है कबीर। मुझे नहीं पता मैं फिर कब लौटूं, पर तू मेरे साथ रहेगा तो मेरी कमजोरी मेरे साथ रहेगी, तू समझ। कबीर रिदम को पीछे की तरफ झटक देता है, कमजोरी हूं ना मैं तेरी, जा जा से कुछ भी नहीं हूं। और वो वेटिंग एरिया से बाहर की तरफ चला जाता है। रिदम उसे नहीं रोकता और जाने देता है। इधर यामी एक रेस्टोरेंट में बैठी अपनी फ्रेंड शालिनी का वेट कर रही थी। शालिनी थोड़ी देर में उसके पास आई और साथ में स्नेह भी था।
स्नेह को देखकर यामी को गुस्सा आया, पर उसने कंट्रोल कर लिया। यार यामी, कल तू कहाँ गायब हो गई थी और हमारा कॉल भी नहीं उठाया, स्नेह ने कहा। तो यामी बोल पड़ी, रोमांस के बीच फुर्सत मिल गई थी मुझे कॉल करने को। हाँ, तो स्नेह मुंह फाड़े यामी को देखने लगा। यामी को भी एहसास हो जाता है कि उसने कुछ गलत बोला है। यामी फिर स्नेह को बता देती है कि वो उससे मिलने आई थी और उसे वहीं से पता चला कि तू किसी लड़की के साथ बिजी है। तो शालिनी झेप जाती है और शालिनी को इस तरह घबराते देख यामी अनायास ही बोल जाती है, तुम थी कल इसके साथ। और ये सुनकर शालिनी का चेहरा एकदम लाल हो जाता है। यामी का भी चेहरा लाल हो गया था और उसने गुस्से से पास में पड़ा पानी का पूरा ग्लास शालिनी के ऊपर फेंक दिया और उसके बालों को पकड़ने ही वाली थी कि स्नेह ने रोक लिया। स्नेह को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। वो यामी को शांत करते हुए उसके गुस्सा होने की वजह पूछता है और यामी सॉस की भरी कटोरी स्नेह पर डालकर ये कहकर वहां से चली जाती है, Ask this bitch, she knows better. और स्नेह हैरानी से शालिनी को देखने लगता है। शालिनी कुछ नहीं कहती और पैर पटकते हुए वहां से निकल जाती है और स्नेह अब तक हुए इस पूरे ड्रामे को समझने की कोशिश करने लगता है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM। एपिसोड 5, मुझ में तू मुझसे ज्यादा है। यामी अपने घर के टेरेस पर बैठी थी। वो खुद के अंदर चल रहे सवालों से तंग हो चुकी थी। क्या वो सच में स्नेह को प्यार करती है? ये सवाल उसके दिल में तब से ही चल रहा था जब से वो रिदम से मिली थी। रिदम की तरफ होता खिंचाव अट्रैक्शन नहीं है, ये बात वो अच्छे से जान चुकी थी। फिर जो स्नेह के लिए वो फील करती है वो क्या है? और यही सब सोचकर उसका दिमाग घूम गया था। तभी वहां स्नेह आ जाता है। हाय यामी, वो यामी को हाय करके उसके पास बैठ जाता है। यामी स्नेह को देखकर दूसरी तरफ देखने लगती है और वहां पर खामोशी छा जाती है। इसी चुप्पी को स्नेह तोड़ता है। यामी, तुमने शालिनी के साथ ऐसा क्यों किया, क्या मैं जान सकता हूं? क्योंकि शालिनी ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, ऊपर से ब्रेकअप करने की बात भी कह दी, जबकि वो अच्छे तरीके से जानती है कि मैं उसे कितना प्यार करता हूं। यामी अब भी दूसरी तरफ ही देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यामी ने स्नेह की कोई बात सुनी ही ना हो। उसने धीरे से स्नेह से पूछा, कब से चल रहा है ये, और मुझे बताया भी नहीं, मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूं ना। स्नेह, फिर तूने मुझसे ये बात कैसे छुपा ली? स्नेह उसकी नाराजगी को समझता है और उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं तो तभी बता देना चाहता था यार, बस शालिनी ही नहीं मानती, पता नहीं क्यों छुपाती है। और उसकी इस बात पर यामी हंस पड़ती है। यामी स्नेह से कहती है, क्योंकि उसे तुमसे नहीं स्नेह, तुम्हारे स्टेटस और बैंक बैलेंस से प्यार है। जिस दिन तुम्हारे पास ये दोनों नहीं होंगे ना, वो फिर किसी नए को ढूंढ लेगी। और उसकी इस बात पर स्नेह अच्छा खासा गुस्सा हो गया। यामी, तुम मेरे लिए अहम हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे प्यार की इंसल्ट करती रहो। मैं शालिनी को जानता हूं, यू डोंट बिलीव वो मुझे कितना प्यार करती है। और स्नेह के इस बात पर यामी हंस पड़ती है, जो स्नेह को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। यामी स्नेह से कहती है, आज भरोसा हो गया, प्यार अंधा होता है। और इस बात पर स्नेह मुंह बना लेता है। यामी स्नेह से कहती है, तुम शालिनी को कॉल करो और कहो कि तुम्हें डैड ने घर से निकाल दिया है और उन्होंने कहा है खुद के बलबूते पर अपने लिए एक अच्छा बिजनेस सेट करो, उसके बाद घर आना। उसकी बात सुनकर स्नेह हक्का बक्का रह जाता है। यामी, तुम अच्छे से जानती हो मेरी ऑलरेडी स्नेह एंड कंपनी के नाम से होटल चैन है और इसे मैंने खुद अपने बलबूते पर ही खड़ा किया है, फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? यामी मुस्कुराते हुए कहती है, ये बात मैं जानती हूं स्नेह, और हमारे करीबी दोस्त जानते हैं। शालिनी तुमसे मेरे थ्रू मिली थी ना, उसे बस उतना पता है जो मैंने उससे बताया है, और तुम्हें तो
अपने प्यार पर भरोसा है ना, फिर करो उसे कॉल और वही कहो जो मैंने कहा है। स्नेह अब भी बेयकनी से उसे देख रहा था। आर यू श्योर यामी, तुम सच में चाहती हो मैं ऐसा करूं? यामी एक फीकी सी मुस्कान स्नेह को देती है और कहती है, तुम्हें तुम्हारे प्यार पर भरोसा है ना? मोर देन फ्रेंडशिप, देन गो अहेड। दूसरी तरफ रिदम न्यूयॉर्क पहुंच चुका था और उसे एयरपोर्ट के बाहर ही शिवन्या मिल गई थी। वो हाथ में रिदम के नाम का बोर्ड लेकर खड़ी थी और रिदम उसकी तरफ बढ़ गया था। वेलकम टू न्यूयॉर्क मिस्टर मलिक, शिवन्या ने मुस्कुराते हुए रिदम का वेलकम किया। रिदम ने शिवन्या को थैंक यू कहा और कार में बैठ गया। उसने शिवन्या से ज्यादा बात भी नहीं किया और वो कार में बैठा हुआ कबीर के बारे में सोच रहा था। मुझे पता है कबीर, तुम खुद संभाल लोगे, पर तुम इतनी जल्दी मेरी बात मान जाओगे? मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। कुछ तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। मुझे ये पता लगाना ही होगा कबीर कि तुम क्या खिचड़ी पका रहे हो। ये सोचता हुआ रिदम अपने अपार्टमेंट में पहुंच चुका था। ये अपार्टमेंट रिदम को हॉस्पिटल की तरफ से प्रोवाइड हुआ था और ये 4 बेडरूम वाला एक आलिशान अपार्टमेंट था। शिवन्या उस अपार्टमेंट की चाबी उसे देते हुए कहती है, मैंने अंदर हर एक चीज का इंतजाम कर दिया है। कल से एक मेड भी आ जाएगी और आपके हेल्प के लिए जॉर्ज हमेशा आपके साथ रहेगा। इसे यहाँ की सारी नॉलेज है। रिदम शिवन्या को थैंक यू कहता है और उसे अंदर आने के लिए इनवाइट करता है। शिवन्या उसे कहती है, डॉक्टर मालिक, अब तो हमारा मिलना जुलना लगा रहेगा। फिलहाल मुझे काम है, मैं कल आपसे मिलती हूँ हॉस्पिटल में। रिदम शिवन्या को बाय बोलता है और अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है। अपार्टमेंट अंदर से बेहद खूबसूरत था। अंदर घुसने के साथ ही एक बड़ा सा हॉल था जिसमें एक एल साइज का सोफा लगा हुआ था। 2 रूम नीचे और 2 रूम ऊपर थे। राउंड शेप में किचन था जो आधुनिक तकनीक से सराबोर था, और किचन के बाहर ही डाइनिंग एरिया भी था, और बेडरूम के बाहर ही बहुत ही खूबसूरती से गार्डन एरिया बनाया गया था जिसमें हर तरीके के खूबसूरत प्लांट लगे हुए थे। और वो ये सब देखकर खुश तो नहीं था, पर उसे सुकून मिल रहा था। वहीं स्नेह यामी की बातों से उलझ गया था। वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था, एक तरफ उसकी बचपन की दोस्त थी और दूसरी तरफ उसका प्यार। क्या होगा कहानी में आगे, जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM। Episode 6, मुझमें तू मुझसे ज्यादा है। इधर वर्तमान में रिदम कमरे में आता है और यामी को छत को घूरता हुआ पाता है। कैसा फील कर रही हो मिस कपूर? रिदम के सवाल पर यामी कोई जवाब नहीं देती है तो रिदम दोबारा से पूछता है, और उसके सवाल का जब जवाब नहीं मिलता तो वो यामी के सिर पर हाथ रखकर उसे हिलाता है। रिदम के टच से यामी अपने ख्यालों से बाहर आती है और किसी मासूम बच्चे की तरह टुकुर टुकुर रिदम को देखने लगती है। फिर रिदम को देखकर वो मुस्कुराती है और उसकी मुस्कुराहट रिदम के दिल को सुकून दे जाती है। कैसी हो तुम, अब कैसा फील हो रहा है? रिदम के उस सवाल से यामी जैसे किसी दर्द से होकर गुजरी थी और वो बोली, जिस्म जिंदा था इन महंगी फिजाओं में, रूह को सुकून की तलब थी। एक जादूगर सी शख्सियत मेरे एहसास तक चुरा ले गया था। इन चंद लाइनों में बहुत कुछ बयां कर गई थी यामी। वही रिदम समझने की कोशिश कर रहा था और उसको उलझा हुआ देख यामी ने एक फीकी मुस्कान दी थी। तुमने कुछ खाया? रिदम यामी से पूछता है। यामी हाँ में सिर हिला देती है। यामी उसे बिना पल के झपकाए देखे जा रही थी। मेरे चेहरे पर आप क्या पढ़ने की कोशिश कर रही हो मिस कपूर? रिदम के सवाल पर यामी ने बस अपनी पलकें झपकाई थी। यामी बहुत कुछ कहना चाहती थी। उसके दिल में बातों का सैलाब सा उमड़ रहा था। वो सब कुछ बताना चाहती थी लेकिन रिदम को, पर किस हक से बताती? बस यही सोचकर वो चुप थी। रिदम उसे मेडिसिन देते हुए कहता है, इसे खा लो, कल सुबह तुम्हारा ऑपरेशन है और बहुत जल्द तुम ठीक भी हो जाओगी। और नहीं हुई तो?
वो रिदम की आंखों में देख रही थी, कितनी नाउम्मीदी, कितना सूनापन और दुख था यामी की आंखों में। और वो दर्द जो उस वक्त भी उसने महसूस किया था जब पहली बार यामी से मिला था। रिदम उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और कहता है मेडिसिन खाओ और आराम करो, और वो बाहर चला जाता है। रिदम तो चला गया पर यामी की बेचैनी को बढ़ा गया था। वो फिर से उन्हीं ख्यालों में खो गई थी और उन यादों में स्नेह यामी की तरफ देखकर अपने पॉकेट से फोन निकालता है और यामी से कहता है मैं कॉल कर रहा हूं और उसे वही कहूंगा जो तुमने कहा है, पर उसके बाद तुम मुझे सब कुछ बताओगी, तुमने शालिनी के साथ वो सब क्यों किया था। यामी मुस्कुराकर हाँ बोल देती है। स्नेह शालिनी को कॉल करता है और अपने मन में प्रेयर भी कर रहा था कि यामी ने जो कहा है वो सच ना हो। 2 से 3 रिंग जाने के बाद फोन उठा लिया जाता है। कॉल कोई लड़का उठाता है और लड़के की आवाज सुनकर स्नेह से कुछ बोला ही नहीं जाता तो यामी उसके हाथ से फोन छीन कर खुद बात करने लगती है। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? क्या मेरी बात शालिनी से हो सकती है? उधर से वो लड़का जवाब देता है, हाय मैं अंकुश बात कर रहा हूँ, शालिनी का मंगेतर। शालिनी अभी वॉशरूम यूज करने गई है, उसके आते ही मैं आपसे बात करवा देता हूँ। वैसे आपका नाम जान सकता हूँ? अंकुश की बात खत्म होने से पहले ही यामी कॉल को कट कर चुकी थी। यामी ने स्नेह को देखा जो अब भी फोन को ही घूर रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसके साथ मजाक किया हो। यामी उसके दर्द को महसूस कर सकती थी क्योंकि वो भी उसी दर्द से गुजर रही थी जिसे स्नेह अब महसूस करने वाला था। स्नेह अवाक सा होकर बस यामी को ही देख रहा था। वो क्या कहे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिससे वो इतना प्यार करता है, जिसे वो अपना बनाना चाहता है, वो एक झूठ और फरेब है। उसे एक पल को खुद का ही वजूद झूठा सा लगने लगा। यामी से स्नेह को ऐसे नहीं देखा जा रहा था। वो स्नेह को हक कर लेती है और स्नेह को शायद इसी एक सहारे की जरूरत थी। अभी वो फफक कर रो पड़ता है और यामी उसे रोने देती है क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि जब दिल का दर्द दिल में रह जाता है तो वो किस हद तक इंसान को तोड़ जाता है। अब यामी अपने कमरे में थी, स्नेह जा चुका था। यामी को बहुत तकलीफ हो रही थी। एक तरफ जहां स्नेह का भ्रम टूटा था, वहीं इस बात से उसे ठेस भी पहुंची थी और स्नेह की हालत को देखकर वो खुद को उन सब का जिम्मेदार मान रही थी। ये सब सोचते हुए उसे रिदम की याद आ गई थी। वो अलमारी से उसकी जैकेट निकालकर उसे गले से लगा लेती है। उसे आजकल रिदम को महसूस करना अच्छा लग रहा था और धीरे धीरे उसे ये भी समझ आ रहा था कि प्यार में तो वो अब पड़ी है। स्नेह के साथ बस उसे लगाव था। उसके केयरिंग और लविंग नेचर से उसे लगता था कि उससे उसे प्यार हो गया है। रिदम से मिलने के बाद उसे एहसास हुआ था कि प्यार किसे कहते हैं। वो एरोगेंट डॉक्टर कब उसके दिल में उतर गया उसे खुद ही नहीं पता चला था। उसने सोशल मीडिया का हर एक साइट छान मारा था पर रिदम उसे कहीं नहीं मिला था। और उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसने उस दिन वो उल्टी सीधी हरकत नहीं की होती तो शायद आज वो दोनों कांटेक्ट में होते। फिर यामी रिदम की जैकेट लेकर सो जाती है। इधर रिदम ने अपने अपार्टमेंट का हर एक कोना देख लिया था। अब वो अपने कपड़ों को अलमारी में सेट कर रहा था और उसे अपने बैग से एक स्कार्फ मिलता है। उस स्कार्फ को लेकर रिदम मुस्कुरा उठता है। वो स्कार्फ यामी का था और रिदम उसी को याद करके मुस्कुरा रहा होता है और उसे तिथि की बात याद आ जाती है। जब आपको प्यार होगा रिदम, आप फिर से मुस्कुरा उठेंगे। और ये याद आते ही वो अपना सिर झटक देता है। नहीं तिथि, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं। हम खुद पर किसी को हावी नहीं होने देंगे। ऐसा कोई बना ही नहीं है जो रिदम के दिल से तिथि को मिटा सके, कोई नहीं और कभी नहीं। ये सोचकर वो स्कार्फ को मरोड़कर अलमारी के नीचे वाले खाने में फेंक देता है। क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM।
एपिसोड 7 मुझमें तो मुझसे ज्यादा है। सुबह हो चुकी थी और यामी अब भी सो रही थी। उसकी आंख तब खुली जब उसका मोबाइल फोन रिंग हुआ। आंखों को मसलते हुए उसने अपने फोन की तरफ देखा। कोई अनोन नंबर था। उसने कॉल पिक किया तो उधर से किसी लड़की की आवाज आई। हेलो मैम, मैं आराधना बात कर रही हूँ सिटी हॉस्पिटल से। क्या मेरी बात यामी कपूर से हो रही है? हॉस्पिटल का नाम सुनकर यामी के चेहरे पर खुशी दौड़ गई। उसने एक्साइटमेंट में पूछा, हाँ क्या रिदम का कॉन्टेक्ट नंबर मिला? आराधना कहती, एक्चुअली मैम मैं आपको इन्फॉर्म करना चाह रही थी कि डॉक्टर रिदम ने अपने सारे डिटेल्स लॉक कर रखे हैं, तो हम आपको उनके बारे में कोई डिटेल्स नहीं दे सकते। और आराधना की बात सुनकर यामी निराश हो गई थी। उसने बिना आराधना के कोई और बात सुने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। हर तरफ से नाउमीद होकर यामी ने आखिर में जाकर रिदम को ढूंढना बंद कर दिया था। उसके पास अगर कुछ था तो बस रिदम की वो जैकेट जिसके साथ उसने अनेकों बातें की थी और रातें गुजारी थी। वो ना जाने कितनी बार दरिया किनारे गई थी सिर्फ उसे ढूंढने, सिर्फ रिदम की एक झलक पानी, पर रिदम ना मिला था और ना ही उसके मिलने की कोई उम्मीद उसे नजर आ रही थी। रिदम अपने काम में इतना मशरूफ हो गया था कि उसने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। ना ही उसने कबीर से कांटेक्ट किया और ना ही उसने यामी से। जब भी उसे यामी का ख्याल आता तो वो खुद को उससे और दूर कर लेता। वो उसके एहसास तक को भी अपने दिल से मिटा देना चाहता था और ऐसा करते हुए उसे उतनी ही तकलीफ होती थी। वो जब भी यामी के एहसास से सराबोर होता था, वो तिथि की यादों को खुद पर हावी कर लेता था। आखिर उसने आखिरी वक्त तक सिर्फ तिथि को चाहने की कसम जो खाई थी। तिथि चौधरी रिदम की पड़ोसी थी। बचपन से ही साथ में खेलते कूदते बड़े हुए थे। जब वो हाई स्कूल में थे तब एक दिन अचानक तिथि चक्कर खाकर गिर गई थी। बाद में पता चला तिथि के दिल में एक होल है और सिर्फ हार्ट ट्रांसप्लांट ही एक सॉल्यूशन है तिथि को बचाने की। तिथि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और इतना महंगा ट्रीटमेंट उसके पेरेंट अफोर्ड नहीं कर सकते थे। डॉक्टर ने तिथि को बढ़ते वक्त के साथ इस बीमारी के बुरे प्रभाव के बारे में बताया था, पर तिथि ना कुछ कर सकती थी और ना कुछ कर पाई थी। जब से रिदम को तिथि के हार्ट प्रॉब्लम के बारे में पता चला था, रिदम ने ठान लिया था उसे फ्यूचर में क्या करना है। इसीलिए ग्रेजुएशन में उसने मेडिकल साइंस लेकर खुद को हार्ट सर्जन बनाने के लिए प्रिपेयर कर लिया था। वो जानता था तिथि की तरह लाखों लोग हैं जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम होती है और पैसे ना होने के कारण लाखों लोग मर जाते हैं। तिथि का साथ कब उसे अच्छा लगने लगा था उसे पता ही नहीं चला था। उसने ये सब बात सबसे पहले अपने पापा को ही बताई थी और उसके हार्ट सर्जरी के लिए उन्हें सिटी के बेस्ट डॉक्टर से बात करने के लिए भी कहा था। उसके पापा बहुत खुश हुए थे। जिस दिन तिथि के हार्ट की सर्जरी थी उसी दिन उसके पापा ने उसे शहर से बाहर भेज दिया था किसी काम से, और रिदम जब लौटा था उसे तिथि की मौत की खबर मिली थी। उसे आखिरी बार तिथि का चेहरा देखने को भी नहीं मिला था। तिथि तो चली गई थी, साथ में रिदम की जिंदगी की हर रौनक को ले गई थी। एक हसमुख और खूबसूरत लड़का अब मुरझा गया था। उसने खुद को तिथि के हवाले कर दिया था। उसने ताउम्र उसका होकर रहने की कसम खाई थी और बीते सालों में उसे निभा भी रहा था जब तक यामी उसकी लाइफ में नहीं आई थी। जब वो पहली बार यामी से मिला था उसका दिल तभी धड़का था, पर उसने उसे अनसुना कर दिया था। वो यामी के लिए खुद की फीलिंग को हमेशा झुठलाता आया था। इधर वर्तमान में यामी गहरी नींद में थी जब रिदम उसके कमरे में आया था। मासूम सी यामी सोते हुए उसे बेचैन लगने लगी थी। बीते 4 सालों का सोचकर रिदम थोड़ा सा मायूस हुआ था। उसने यामी और स्नेह की शादी की फोटो देखी थी और दिल से दुआ दी थी। वो सोचने लगता है खुद को रोकने के बावजूद वो कैसे इंस्टा पर यामी की प्रोफाइल चेक करता था, और उसे 1 साल पहले ही यामी और स्नेह की शादी की फोटो देखने को मिली थी। शादी की फोटो से रिदम यामी के पति के बारे में सोचता है, क्योंकि जब से वो उससे मिला था बस उसकी स्कूल फ्रेंड राशि ही मिली थी
और ना उसके पेरेंट्स थे और ना ही उसका हस्बैंड। पूरा एक दिन गुजर चुका था, कोई यामी से मिलने भी नहीं आया था। रिदम ये सब सोचते हुए यामी के सिर पर हाथ फेर देता है। उसके सिर पर हाथ फेरने से वो बुरी तरह से डर के उठ जाती है। नो नो प्लीज, इस तरह चीख कर उठने से रिदम भी चौंक गया था। उसने यामी को शांत कराने की कोशिश की थी और यामी रिदम को पास पाकर उसने उसे कसकर जकड़ लिया था। उसे देखकर लग रहा था जैसे किसी गहरे सदमे में हो। श, श, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, शांत हो जाओ यामी, ये मैं हूं रिदम। यामी ने एक बार रिदम को देखा और तुरंत ही उसे छोड़ दिया और चेहरा फेर कर दूसरे साइड होकर लेट गई। यामी कभी सोच नहीं सकती थी कि वो कभी रिदम से मिलेगी तो उस वक्त का तकाजा ये होगा। रिदम के पास ही चेयर पर बैठकर उसके बारे में सोचने लगा था। जिस तरह की खौफ उसने अभी उसने यामी की आंखों में देखा था, उससे साफ जाहिर था कि कुछ बहुत बुरा हुआ है उसके साथ। उसने यामी से बात करने की सोची थी पर हिम्मत नहीं हो पाई थी। क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।